जब कोई व्यक्ति किसी के कष्टों का कारण बन जाता है तो उसे उनकी दृष्टि से दूर चले जाना चाहिए। मैं भी इनकी दृष्टि से दूर चला जाऊंगा, मुझे जाने दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। विप्रचंद्र जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। हत्या जैसा जघन्य अपराध करने वाले को इस संत आश्रम में रहने का कोई हक नहीं, मुझे जाने दीजिए संत तुलसीदास जी। मैं किसी हत्यारे को नहीं रोक रहा, मैं तो एक भक्त को रोक रहा हूं। वो भक्त जिसकी जिह्वा पर बार बार प्रभु श्री राम का नाम आता है, वो भक्त जिसे अपने अपराध का बोध हो चुका है और जो प्रायश्चित करना चाहता है। किंतु आपके अतिरिक्त और मुझे कौन क्षमा दान देना चाहेगा? आपकी इस करुणा दया के योग्य भी हूं मैं। मन वचन और कृति को शुद्ध करना ही प्रायश्चित होता है विप्रचंद्र जी, और जो अपनी आत्मा को प्रायश्चित की अग्नि में जलाने के लिए तैयार हो उसे एक अवसर तो अवश्य देना चाहिए। जय श्री राम। लीजिए प्रसाद बहन जी। रुक जाइए संत तुलसीदास जी। धर्म ज्ञाताओं, वेद पुराण में पारंगत महात्माओं, आप अपनी खुली आंखों से देखिए आज जिन्होंने अपनी महानता का अद्भुत परिचय दिया है। धर्म का नाश कर अधर्म को बढ़ावा देने वाले डोंगी महाशय हैं ये, जिन्हें आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भक्त मान बैठे। ये महान संत तुलसीदास जी हत्या जैसे घोर पाप करने वाले को दंड देने की वजह उसे शरण दे रहे हैं, प्रभु श्री राम का प्रसाद दे रहे हैं। हे धर्म के उपासक, आप ही कहिए क्या ये हत्यारा प्रसाद पाने योग्य है? यदि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। यदि कोई मनुष्य अपने पद से भटक जाए, पशुत्व को अपना ले, तो एक ज्ञानी का, धर्म के उपासक का उसके प्रति क्या कर्तव्य होता है? यही कि वो उसे प्रेरणा दे, उसे अवसर प्रदान करे, घृणा द्वेष हिंसा को त्याग कर मानवता को अपनाए। इस प्रकार अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं ये सब? नहीं, मैं धर्म धर्म दया दया पुण्य पुण्य क्षमा क्षमा करुणा करुणा प्रभु की कृपा कृपा मानवता को बढ़ावा दे रहा हूं। प्रसाद ग्रहण कीजिए। आपको यही सब कुछ करना है तो कहीं और जाकर कीजिए, हमें यह सब स्वीकार नहीं। हमारे इतना कहने पर भी पाप का समर्थन करने से नहीं रुके आप, तो इन्हें अपने दुस्साहस का दंड अवश्य मिलना चाहिए। हाँ हाँ, इन्हें दंड मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए इन्हें दंड। हाँ हाँ, मिलना चाहिए, इन्हें दंड मिलना चाहिए। विप्रचंद, तुम विचलित मत, प्रभु श्री राम का नाम जपते हो तो देखना, उसी प्रभु श्री राम नाम की महिमा ही तुम्हें किसी भी विपदा से निकाल देगी। मैं दंड से नहीं घबराता, क्योंकि मुझे अपने प्रभु पर अटूट विश्वास है। मैं दंड अवश्य स्वीकार करूंगा, परंतु केवल उसी अपराध का जो मैंने किया है। मेरा अपराध है एक प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना, इस अपराध का दंड मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। मेरा अपराध है प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे एक व्यक्ति को शरण देना, इस अपराध का दंड भी मैं स्वीकार करूंगा। परंतु आप सबको भी एक बात स्मरण कराना चाहता कि घृणा पाप से करनी चाहिए, पापी से नहीं। ये तो फिर सभी को अपने शब्दों में उलझा रहा है। स्वयं प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण को एक अंतिम अवसर प्रदान किया था, तो क्या हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते? ये अपने शब्दों से उलझा नहीं रहे बल्कि उचित कह रहे हैं, हमें इनकी बात को गंभीरता से सोचना चाहिए। ये बात तो सत्य है कि जो प्रायश्चित करे उसे तो प्रभु भी क्षमा कर देते हैं। नाम राम को कल्प तरु कली कल्याण निवास,
जो सिमरत भयो भान ते तुलसी तुलसी दास। अर्थात प्रभु श्री राम का नाम कल्याणकारी और कल्पतरु के समान, जिसे बार बार जपने से ये साधारण सा तुलसीदास भी तुलसी की भांति पवित्र हो गया। उसी प्रकार विप्रचंद्र भी प्रभु श्रीराम का नाम निरंतर जपने के कारण अपने सभी पापों से मुक्त हो चुका है। प्रभु ऐसे ही क्षमा नहीं करते, पहले अपराध का दंड देते हैं, उसके बाद क्षमा का दान देते हैं। सासती करही पुनि करही पसाव, नाथ प्रभु कर सहज स्वभाव। अर्थात ये प्रभु का सहज स्वभाव ही है कि वो पहले दंड देते हैं, पुनः बाद में सेवक के ऊपर कृपा करते हैं। अपने किए दुष्कर्मों के दंड स्वरूप विप्रचंद्र ने वर्षों तक दर दर की ठोकरें खाई, अनेकों कष्ट भोगे, किसी ने इन्हें आसरा नहीं दिया। उसके पश्चात जाकर इन्हें सत्संगति प्राप्त हुई। सत्संगति व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से छुटकारा दिलाती है। विप्रचंद्र अपने सभी पापों से मुक्ति पाकर मेरे द्वारा श्री रामचरितमानस की संगति में आए। इनका मन तो पहले ही पवित्र हो चुका है, अब इन्हें मुक्ति पाने के लिए केवल अपना प्रायश्चित पूर्ण करना है। लीजिए, सुनिए, ने तुलसीदास जी के अनुसार ये हत्यारा राम नाम का सुविनय कर पावन पवित्र हो गया है और अब भक्ति पर चलेगा और मुक्ति भी पालेगा। तो इस बात का प्रमाण भी दे दीजिए कि दुष्ट पापी विप्रचंद अब शुद्ध हो गया। मैं वचन देता हूं, यदि ऐसा कर दिया आपने तो मैं इसके बाद कभी आप पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, ना ही इसे शरण देने के आपके निर्णय पर कोई संदेह करूंगा। कहिए तुलसीदास जी, ये प्रमाणित कर सकेंगे आप? प्रभु श्री राम की कृपा से ही मेरी इनसे भेंट हुई, प्रभु का प्रसाद भी इन्हें उसी कारण मिला है, और जो प्रमाण आप इनसे मांग रहे हैं वो भी इन्हें प्रभु ही प्रदान करेंगे। इस तरह बार बार प्रभु के नाम का प्रयोग करना उचित नहीं, इस बार आपको ही प्रमाणित करना होगा। तो आप ही बता दीजिए किस प्रकार का प्रमाण चाहते हैं आप? प्रभु श्री राम की कृपा है विप्रचंद्र पर, निरंतर उन्हीं का नाम बना रहता है इनकी जिभा पर, मैं इस बात का साक्षी हूँ, क्या ये पर्याप्त नहीं? नहीं, नहीं है पर्याप्त। आप कुछ भी कहेंगे और हम मान लेंगे। जैसे जैसे आप कहेंगे नंदी जी ने आपके हाथों से दुर्वा खा ली, तो क्या हम सच में मान लेंगे? आप मेरे कहने का गलत अर्थ लगा रहे हैं। कुछ भी कहने वाला मैं कौन होता, क्योंकि इस संसार में आज तक जो कुछ भी हुआ है वो प्रभु श्री राम की इच्छा से ही हुआ है, और आगे भी जो होगा वो प्रभु श्री राम की इच्छा से ही होगा। यदि आप कहते हैं कि नंदीश्वर जी इनके हाथों दुर्वा ग्रहण करें तो प्रभु श्री राम की इच्छा से वो भी हो जाएगा। अच्छा, तो यही प्रमाण बन जाने दीजिए इस पापी के हाथों से नंदीश्वर जी को दुर्वा घास खाते हुए हमें देखने दीजिए, हम भी मान लेंगे ये पापी नहीं रहा, पुण्य आत्मा बन गया, प्रभु श्री राम की इच्छा से प्रसाद पाने योग्य बना है। तो प्रमाणित करने दीजिए ना कि ये भगवान को भी भोग देने का अधिकारी है। यही निकट में ज्ञान पापी के पास नंदीश्वर जी का मंदिर, यदि ये पापी वहां नंदीश्वर जी को दुर्वा का भोग दे और वो उसे स्वीकार कर तो हम भी मान लेंगे इसके सारे पाप श्री राम का नाम लेने से मिट गए। ये कैसे होगा? मूर्ति को घास कैसे खिलाई जा सकती? उचित यदि यही एकमात्र उपाय शेष है आपको विश्वास दिलाने का
कि प्रभु श्री राम का नाम लेने से विप्रचंद्र के सभी पाप धुल चुके हैं। तो यही सही से अब विप्रचंद्र जी प्रभु श्री राम की आज्ञा वो उनकी कृपा से नंदीश्वर जी को दुर्वा का भोग लगाएंगे जिसे वो ग्रहण भी करेंगे। किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या वचन देते? यदि विप्रचंद असफल हुआ तो आप सदा सदा के लिए रामचरितमानस का पाठ बंद कर दें। तो आप सदा सदा के लिए रामचरितमानस का पाठ बंद कर दें। क्या वचन देते? यदि विप्रचंद असफल हुआ तो आप इस महाकाव्य को माँ गंगा में विसर्जित कर देंगे। वचन देते हैं आप, यदि यह सफल हुआ तो आप काशी छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी में कभी दिखाई नहीं देंगे। तुलसीदास जी, आप इन्हें ऐसा कोई भी वचन नहीं दीजिए। हाँ तुलसीदास जी, यदि मैं असफल हुआ तो मैं इसका परिणाम भुगतूंगा, आप नहीं। अब तक सब प्रभु श्री राम की इच्छा से ही होते आया, तो आगे भी सब उनकी इच्छा से ही होगा। इतना ही विश्वास था आपको अपने प्रभु श्री राम पर? रेत के घर से भी कच्चा निकला आपका विश्वास। इसका मतलब है अब तक आपने जो भी कहा वो सब सब सत्य है, सब सत्य है, सब सत्य है, सब सब सत्य है। मुझे आप चुनौती स्वीकार कर जाइए। पहले शपथ लीजिए प्रभु श्री राम की अपने शब्दों में। उचित है, मुझे अपने प्रभु श्री राम पर पूर्ण विश्वास है कि उनकी कृपा से विप्रचंद्र के सभी पाप धुल चुके हैं। इसलिए मैं प्रभु श्री राम भक्त तुलसीदास आज आप सबके समक्ष ये शपथ लेता हूं कि यदि ये प्रमाणित नहीं कर पाया तो आज की पहचान श्री रामचरितमानस का पाठ सदा के लिए त्याग दूंगा, सदा के लिए त्याग, सदा के लिए त्याग। प्रभु श्री राम कथा के इस महान ग्रंथ को माँ गंगा को समर्पित कर दूंगा और उसके पश्चात मैं सदा के लिए काशी अयोध्या से चला जाऊंगा। यहाँ पुनः लौटकर किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। आज की राम कथा नंदीश्वर जी के समक्ष ज्ञानवापी में होगा। उन्होंने प्रभु के कार्य को एक ऐसे मनुष्य के लिए क्यों दांव पर लगा दिया जिसे वो भली भांति जानते भी नहीं थे? प्रश्न विप्रचंद्र और उसके चरित्र पर नहीं था, प्रश्न तो उठा था प्रभु श्री राम के नाम की शक्ति पर, उनकी महिमा पर। और भक्त तुलसीदास जी ये कैसे सह सकते थे? श्री राम नाम की महिमा का प्रमाण देने के लिए तो वो अपने जीवन को भी दांव पर लगा सकते थे। महात्मा जी, मेरे कारण आप संकट में आए ये तो उचित नहीं। परंतु ये संकट नहीं है, ये तो अवसर है।
अवसर? कैसा अवसर? आज यहाँ इस कारण से कितने लोग एकत्रित हैं? अब यदि ये प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से और नंदीश्वर जी की कृपा से उन्हें दुर्वा का भोग अर्पित करने में सफल हो गए, तो सोचो मैं कितने लोगों के समक्ष श्री रामचरितमानस का पाठ कर पाने में सफल हो जाऊंगा, उसका कितना प्रचार प्रसार होगा। किंतु नहीं, श्री राम की महिमा के समक्ष किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं। आप अपने मन से शंका को निकालिए। पापी के पाप का परिणाम तो अब तुम्हें भी भोगना होगा तुलसीदास। ओम नमः शिवाय। आज प्रभु के भक्त तुलसीदास जी का मान सम्मान और प्रतिष्ठा सब आप ही के हाथ में है नंदी जी। प्रणाम माता। हनुमान जी, नंदीश्वर तो प्रभु के गहन ध्यान में लीन है। माता, ये कैसी दुविधा है? वहां विप्रचंद नंदी जी की ओर बढ़ रहे हैं और माता यहाँ तो नंदी जी ध्यान में लीन है। क्या लगता है आपको, नंदी जी ध्रुवा खा लेंगे ना? अन्यथा सब कुछ त्याग करना पड़ेगा आपको। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आज आप श्री रामचरितमानस की कथा सुनने के लिए रुकिएगा। राम कथा होगी तब ना। हे नंदीश्वर महाराज प्रणाम। अपने पाप की काली छाया तुलसीदास जी पर डाल दी। अब मेरे कारण उन्हें पवित्र काशी नगरी छोड़कर जाना होगा। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषान भानु हिमकर कर, विधि हरि हरमय वेद प्राण सु, अगुन अनुपम गुण निगान सु। प्रभु श्री राम सूर्य से तेजमय, चंद्रमा से भी शीतल, राम नाम ही ब्रह्मा विष्णु शिव रूप, वो वेदों का प्राण निर्गुण उपमा रहित गुणों का भंडार, श्री राम का नाम ही सबको भव सागर से पार लगाने वाला नाम है। इसलिए सदा प्रभु श्री राम का नाम जपते रहते। ब्रह्म रामते नामु बड़, बरदायक बरदान, राम चरित सत कोटि महम, लियो महेश जियम जानी। ब्रह्मा के नाम से बड़ा प्रभु श्री राम का नाम। श्री राम का नाम तो वो है जो स्वयं प्रभु महादेव के हृदय में बसता है। इसलिए उस राम नाम की महिमा से श्री नंदीश्वर जी भी प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकते हैं। आप प्रभु श्री राम पर अपना विश्वास अटल रखें और नंदीश्वर जी को भोग ग्रहण के लिए प्रस्तुत कीजिए। श्री राम जय राम जय जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम।
श्री राम जय राम जय जय श्री राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम श्री राम जय राम जय राम जय जय श्री राम श्री राम जय जय श्री राम श्री राम जय जय श्री राम श्री राम जय 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 राम जय जय श्री राम गुरुदेव श्री राम जय गुरुदेव शांत हो जाइए सब आप ही को देख रहे हैं क्या हुआ आप सब मुझे घूर क्यों रहे हैं क्योंकि सभी में यह जिज्ञासा है आपसे जानने की कि आपने मान लिया कि तुलसीदास जी ने जो कहा था वह सच है जैसे काशी में श्री गंगा जी में डुबकी लगाकर बड़ा से बड़ा पापी भी पाप मुक्त हो जाता है ठीक वैसे ही विप्रचंद ने श्री राम नाम की गंगा में डुबकी लगाकर स्वयं को पापों से मुक्त कर लिया है प्रभु से सच्चे मन से क्षमा मांगने पर प्रभु ने उन्हें क्षमा कर दिया काशी विधि वसी तनु तज हठी तनु तजय प्रयाग तुलसी जो फल सो सुलभ राम नाम अनुराग जिस प्रकार पापों से दूर रहकर काशी नगरी में निवास करने से पापों से मुक्ति मिलती है उसी प्रकार प्रयागराज में अपने प्राण त्यागने की हठ कर व्यक्ति अपनी आत्मा को मोक्ष का भागी बनाता है वही दुर्लभ सुफल सरलता से प्रेम से प्रभु श्री राम के नाम के जाप से प्राप्त होता है अच्छा तो अब ज्ञानदत्त शास्त्री को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं आप नहीं नहीं मैं ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रहा मेरे पास तो केवल भक्ति है वही बांटने का प्रयास कर रहा हूँ और फिर आपको मैं ज्ञान भला कैसे दे सकता हूँ आप तो स्वयं एक ज्ञानी हैं और सत्य तो ये है आज समाज में सत्य और धर्म की स्थापना के लिए राम काज के लिए आप जैसे ज्ञानी की अत्यंत आवश्यकता है मैं आपसे केवल यही विनती करूंगा कि आज आप श्री रामचरितमानस का पाठ सुनकर ही जाइए क्योंकि जिनकी कृपा से आज ये चमत्कार हुआ है वो केवल प्रभु महादेव के वाहन ही नहीं उनके महान भक्त उनके सहायक भी हैं और उन्हीं नंदीश्वर जी के लिए आज मैं श्री रामचरितमानस का एक विशेष पाठ करूंगा मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ज्ञानदत्त जी श्री रामचरितमानस का पाठ सुने बिना ही यहां से चले गए क्योंकि यदि वो सरल सहज अवधि भाषा में प्रभु श्री राम की कथा का वर्णन सुनते तो उन्हें असीम आनंद की प्राप्ति होती बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति यदि सच्चे मन से सच्ची भावना से प्रभु श्री राम कथा का वर्णन सुनेगा तो उसे अपार आनंद की प्राप्ति होगी माता आज की इस सभा को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया आज प्रभु श्री राम की कथा के प्रचार का जो आरंभ हुआ है वो अब नहीं थमेगा
चली है वो, कोई बड़ा छल किया उसने, किंतु अबोर नहीं करने दूंगा। उसके लिखे उस काव्य का मैं प्रचार कदापि नहीं होने दूंगा। प्रचार तो आपने ही करवा दिया गुरुदेव, इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा करवा कर। अब अपनी दृष्टि की अग्नि बांध मुझ पर बरसा कर भला आपको क्या लाभ होगा? एक कार्य कीजिए, शीतल जल ग्रहण कीजिए, फिर शांति से सोचिए, इस प्रचार को रोकने का कोई ना कोई उपाय अवश्य मिलेगा। बोलो राम लखन जानकी, जय बोलो श्री राम लखन जानकी, जय बोलो राम भक्त हनुमान, जय श्री राम भक्त हनुमान की। अच्छा नंदी जी, तो अब आप भी यहाँ आकर श्री रामचरित मानस का पाठ सुनने का परम आनंद ले रहे हैं। किंतु ज्ञानी ज्ञानदत्त कुछ नहीं सीख सका था। जिस राम कथा को सुनने के लिए स्वयं हनुमान जी और नंदी जी उपस्थित थे, वो तो उसी राम कथा के प्रचार को रोकने की ठान चुका था। ज्ञान का अहंकार व्यक्ति को अज्ञानी बना देता है। कलयुग का ये परम प्रभावी विकार पूर्ण रूप से ज्ञान दत्त को अपने प्रभाव में जकड़े हुए था। कितनी भी जोड़ तोड़ करनी हो करूंगा, किंतु उस तुलसीदास को अपने से ऊंचा साबित नहीं होने दूंगा। गुरुदेव, तुलसीदास जी के इस होड़ को कुछ अधिक महत्व तो नहीं दे रहे ना आप? आज से नहीं, उससे ये होड़ तो बचपन से चली आ रही है। उससे ये मेरा मन मुटाव तो तब से ही चला रहा है, किंतु अब नहीं, अब बातें गंभीर हो गई। साधारण भाषा में कुछ भी लिखा हो, किंतु उससे मैं उस तुलसीदास को प्रसिद्धि नहीं पाने दूंगा। ये विद्वानों का, ज्ञानियों का अपमान है। इतने वर्षों की साधना के बाद जो ज्ञान हम अर्जित करते वो किसी को ऐसे ही मिल जाए, ये तो सर्वथा अनुचित। किंतु आप तुलसीदास जी को कैसे रोकेंगे? गुरुदेव, तुलसीदास जी के घर के सारे अनाज में कीड़े डलवा देते, भूखे पेट राम कथा कैसे करेंगे? अच्छा, क्यों ना हम बस, बहुत हुए तुम्हारे मूर्खतापूर्ण उपाय। उसे रोकने का बस एक ही उपाय है, किसी प्रकार उससे वो राम कथा की पुस्तक उससे छीन जाए। ये तो बड़ा सरल है, चोरी करवा देते। क्षमा करे गुरुदेव, विचार अच्छा नहीं है, मुक्तापूर्ण नहीं है। नहीं, आज गलती से तुमने पहली बार कोई सही उपाय सुझाया। कोई है तुम्हारी दृष्टि में जो ये सब कर सके? हाँ, यहाँ के सबसे बड़े चोर को मैं जानता हूँ, अभी बुलाना था उसे, आप स्वयं समझा देना। जो कहूंगा वो कर सकोगे तुम? ये तो मेरी स्वर्णमाला है, तुम्हारे हाथ कैसे पहुंची? आप अपने शास्त्र के ज्ञानी, तो मैं भी चौर शास्त्र में पारंगत हूं। कहें तो सूरज से उसका प्रकाश चुरालू, नदी से उसका जल, या फूलों से उनकी सुगंध, या फिर राजा से उसका राज्य, मैं कुछ भी चुरा सकता हूं। बस आप मुझे ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या चुरा कर लाऊं? एक पुस्तक। एक पुस्तक? और उसके लिए स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी तुम्हें। स्वर्ण मुद्रा, इसके लिए तो मैं एक क्या पूरा घर चुरा के ला सकता हूं। ना, घर नहीं, बस एक पुस्तक जिसका नाम है रामचरितमानस। जैसे तेज के बिना सूर्य किसी काम का नहीं, वैसे उस रामचरितमानस के बिना तुलसीदास तुलसी नहीं। बस वो पुस्तक मुझे चाहिए, और ये काम आज रात्रि हो जाना चाहिए। सूर्यदेव की पहली किरण छिटकने से पहले वो पुस्तक मैं आपके इन्हीं हाथों पर पहुंचाऊंगा। मैं बस आप स्वर्ण तैयार रखिए। किंतु एक समस्या है, कितनी बातें भूल जाते हो तुम। चिंता मत करो, इस बार मैं कुछ नहीं भूलूंगा,
और स्वयं से दोहराता जाऊंगा कि रामचरितमानस चुरानी है मुझे, रामचरितमानस चुरानी है मुझे, रामचरितमानस चुरानी है मुझे, रामचरितमानस चुरानी है मुझे। इस पे दृष्टि गड़ाए रख और मुझे पल पल सूचित करते रहे। जी गुरुदेव। मुझे रामचरितमानस पुस्तक चुरानी है, मुझे रामचरितमानस पुस्तक पानी है, मुझे रामचरितमानस पुस्तक पानी है। मुझे रामचरितमानस पुस्तक पानी है। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से बहुत ही विशाल सभा लगी थी। हाँ मित्र, प्रभु राम की भक्ति अन्य भक्तों को भी खींच लाएगी। जी वो वहां है रामचरितमानस पुस्तक। अब उचित समय है, रामचरितमानस पुस्तक पानी है। भोर तक ये उठने वाले नहीं है। अब मैं द्वार से भीतर जाऊंगा और बहुत अच्छे से अपना कार्य कर निकल जाऊंगा। रामचरित पुस्तक पानी है, रामचरित पुस्तक पानी है, रामचरित पुस्तक पानी है, रामचरित पुस्तक पानी है। राम को पाना है, राम को पाना है, राम को पाना, राम राम को पाना है। ये कौन है यहाँ द्वार पर, अचानक कहाँ से आ गए? ये प्रहरी भी होंगे, ये तो किसी ने बताया नहीं था। किंतु जो कार्य करने आया हूँ वो तो करके ही जाऊंगा, द्वार से नहीं तो खिड़की से भीतर जाऊंगा। घर के मुख्य द्वार पर थे, अब यहां कैसे आ गए? राम को पाना है, 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 राम को पाना है। कौन है ये दोनों, इतने सावधान सतर्क प्रहरी? जहां जाता हूं वहीं पहुंच जाते हैं। राम को पाना है, राम को पाना है, राम को पाना है, राम को पाना है। राम राम, राम राम राम, प्रभु
प्रभु मैं आपको पहचान गया, समझ गया कि आप कौन हैं। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जीवन बस चोरी करता रहा, किंतु अब ये चोर काम नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा इसे प्रभु, छोड़ दूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु।